ये अपने भारतीय देसी नस्ल जिसको अपन देसी गाय बोलते हैं उसकी सबसे छोटे कद की गाय है जो अंतिम कुछ बची कुछ ही अच्छी प्योर क्वालिटीज़ में से है। और पुंगनूर इसका नाम है, साउथ की ये नस्ल है। दक्षिण भारत में पहले पाई जाती थी, अब बहुत कम पाई जाती है। बाकी इनके संरक्षण और संवर्धन पे वहाँ की गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट सब काम कर रहे हैं, हम भी उसमें थोड़ा सा हमारा योगदान दे रहे हैं। इसकी हाइट 27 इंची से लेके 36 इंची तक मेरे पास उपलब्ध है, बाकी 26 इंची से 36 इंची इसकी हाइट है। बाकी हाइब्रिड्स जो लोग हाइब्रिड कर रहे हैं, मतलब प्योर पुंगनूर नहीं कहेंगे उनको, वो 24 इंची तक भी है। और खासियत यही है कि बस छोटी छोटी सी गाय है। अपने घरों के अंदर गाय जो होती थी पहले, हर घर में गाय वाला वापस कि हर घर में गाय होनी चाहिए, तो वो गाय कि आप बालकनी में भी इसको रख सकते हैं। मैक्सिमम इसकी डाइट 2 किलो चारा पर डे, 3 किलो चारा पर डे है, 15 रुपये किलो चारा आता है। और जो छोटा मोटा ये बांट वगैरह जो अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं चोकर चापड़, वो आप इसको खिलाओ तो मैक्सिमम 80 से 100 रुपये की पर डे की डाइट है। 2500 से 3000 रुपये में गाय पल जाती है। दूध बिल्कुल देती है साहब, 36 इंची तक की जो गाय है वो 5 लीटर तक का दूध देती है, और छोटी गाय 27 इंची वाली वगैरह वो सब 3 लीटर तक का दूध देती है। 3 लीटर से 5 लीटर पर डे का दूध है इनका। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही इसका संवर्धन में थोड़ा सा योगदान अच्छा दिया। संक्रांति 2023 में उन्होंने अपने घर का वीडियो भी डाला, जो उनके पास खुद के पास भी 20-30 गायें हैं, बाकी अदर स्टेट के मुख्यमंत्री इसके पास भी गायें हैं, तो सब लोग इसके संवर्धन के हिसाब से भी पाल रहे हैं, अपने घर में जो गाय होनी चाहिए उसके हिसाब से भी पाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ के पास भी यही गाय है, MP के मुख्यमंत्री के पास भी ये गाय है, सबके घरों में ये गाय है अभी इस समय। और उनके पास अभी नरेंद्र मोदी ने अभी थोड़े दिन पहले एक दीप ज्योति करके उनके यहीं पर बचिया की फ़ोटो भी डाली थी नवरात्रों में।